तो मेरा गांव के लौंडे भाई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बारिश लगी है। अब ये देखो, इसमें एक चीज कॉमन है कि इनमें से 65-70 से ऊपर है सारे। शोर ने बोल कर रात पूरे अरबी खा रही भाई, पिन आलू खा दिया, तो शायद यहाँ से आया वो नीचे, पूरा का पूरा बोटी उखाड़ खा रहे। देखो तो पहले तो सुअर नहीं आता था, लेकिन अब सुअर आने बैठ गया यहाँ। जैसे ही सुबह सुबह घर से बाहर निकले तो सामने बारिश देखी, आज भी शुरू हो गई सुबह से, पूरे आसमान में बादल हैं और यहाँ हो रही है बारिश, और सामने की चोटी पे बर्फबारी हो रही है भाई आज भी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, पिंडर वैली के इन खूबसूरत वादियों से चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज भी भाई मौसम सुबह से ही बारिश का हो रखा है, और बारिश आ भी रही है अभी, दो दिन की चटक धूप के बाद आज फिर से बारिश शुरू हो गई है सुबह से ही। देखिए बस चारों तरफ पूरा मौसम पैक हो गया है, और आगे भी नहीं दिख रहा भाई यहाँ। तो सुबह के 10 बजे हैं और अभी कोहरे से पूरा मौसम चारों ओर पैक हो गया है, और कुछ इस प्रकार का है भाई हमारे पूरे गांव का व्यू। सबसे टॉप में शिव का मंदिर, और पूरे गांव में अभी भी काफ़ी पुरानी मकान हैं पठाल वाली, तो लोगों के अभी भी ये मकान हैं, तो इस प्रकार का व्यू है पूरे गांव में इस काम का। शोर ने बोल कर रात पूरे अरबी खा रही भाई, पिन आलू खा दिया, तो यहाँ जहाँ जहाँ ठीक अरबी है ना वहाँ खा रखा भाई उसने, ठीक वही खुद रखा उसने, तो शायद यहाँ से आया वो नीचे, यहाँ पे है उसकी स्पॉट के निशान, और यहाँ पूरा अरबी लगा रखा था हमने, तो पूरा उसने खुद रखा है, ये जहाँ जहाँ अरबी थी हाँ उसने खोद रखा है, और पूरा अरबी खा दी, पूरा का पूरा बोटी उखाड़ खा उसने। देखो तो पहले तो सुअर नहीं आता था, लेकिन अब सुअर आने बैठ गया यहाँ, और उसने पूरे अरबी वगैरह खा लिया, जहाँ जहाँ अरबी लगा रखी थी ना पूरा खेत में खा रखा उसने। तो जी अब भोजन कर लेते हैं, दिन के भोजन में है चावल, घर के चावल, कढ़ी और टेड़ू की सब्जी। तो आज सुबह से ही कुछ इस प्रकार का और कवाई मौसम देखे, चारों तरफ ये कोहरा ही कोहरा, और किसी समय धूप तो आ रही है और फिर से कोहरा लग जा रहा है, और बारिश तो रुक रुक के आ ही रही है, और अभी ऐसे मौसम में ना कुछ काम करने का भी नहीं होता है, तो इसलिए साफ तो आज तो सबके घर में अंगीठी और पानी गर्म होगा अंगीठी में, और आग तापने वाले भी होंगे, तो ठंड के मौसम में बस यही होता है। हाँ देखिए भाई, ठंड में इतने लोग ये लकड़ी फाड़ने हैं, जोशी जी ने ले जा रखे एक से एक एक्सपर्ट लकड़ी फाड़ने वाले, देखो भाई, और सब हैं 60 साल से ऊपर। अब ये देखो, इसमें एक चीज कॉमन है कि इनमें से 65-70 से ऊपर है सारे। ये देखो भाई, आप देखो पेड़ में उन्होंने जल्द डाल रखे आज,
लकड़ी फाड़ने वाला सब ला रखे हैं जोशी जी ने। लकड़ी भी देखो पूरा सड़ रखा भाई, ये सीधे डाल लगा उन्होंने जल्द। लकड़ी भी पूरा सड़क ही है, तो पता नहीं किस चीज के लिए ले जा रहे भाई ये। अच्छा इसमें भर के ले जाना है। देखो भाई बारिश भी इतनी हो रही है, तो इस बार इसमें लगे हैं, इनको टाइम आज ही मिला। देखो हमारे सबसे बुजुर्ग आदमी लगे हैं अब। सामने है तुनेड़ा गांव के लौंडे भाई, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बारिश लगी है, इस बारिश में क्रिकेट का मैच चला है इनका। अब इनका एक झाका बन गया है फिक्स अभी। तो ठंडियों में आग सेकने के लिए भाई सब लोग एक जगह पे बैठेंगे और आग सेकेंगे, इसका पूरा आनंद लेंगे, तो इसलिए लिए इसको काट रहे हैं। तो चलो जी आग भी सेक लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सूरी ने जलाई है यहाँ पे आग, थोड़ा इस आग सेक के उसके बाद चलते हैं घर की ओर।